अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आप सबको खुशामदीद कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे, और मैं भी बड़ा मिस कर रहा था, आप लोग भी बड़ा मिस कर रहे होंगे ऑब्वियसली। बहुत ज़्यादा कनेक्शन हमारा बना हुआ था, और पिछले बहुत सारे दिनों में मैं काफ़ी बिजी रहा हूँ, और उसकी वजह से आई एम सो सॉरी कि मैं कोई वीडियोस नहीं बना पाया या कोई वीलॉग नहीं दे पाया। खाने भी पकाए, अफ्तारियाँ भी की, सहरियाँ भी की, मेरा घर भी देखा आप लोगों ने, ट्रैवलिंग भी की मेरे साथ वापस। एक्चुअली हम प्लान कर रहे थे कि कुछ नई चीज़ लेकर आएँ आप लोगों के लिए, कुछ मज़े की चीज़ लेकर आएँ, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि भाई हम आपका जो मॉर्निंग शो है वो बहुत मिस करते हैं। तो वो जो हल्का फुल्का फ़न है, वो जो हल्की फुल्की मस्तियाँ हैं, कुछ प्लान हो रहा है। सो अनकरीब आप मेरे चैनल पर वो देखेंगे, लेकिन आज बड़ा स्पेशल शो है, बिकॉज होता यही है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मुलाकात हुई एक बड़ी टैलेंटेड डॉक्टर से, और हमने सोचा कि उनसे आपको मिलवाया जाए, बिकॉज बहुत ज़रूरी हो गया था जब बातों बातों में पता चला कि वो क्या करती हैं और किस जगह पे वो प्रैक्टिस करती हैं। बेवली हिल्स पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है कि वहाँ पे सारी दुनिया के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं या बड़े अमीर अमीर लोग हैं वो जाके अपने इलाज वहाँ पे करवाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आपने देखे होंगे जिसमें बेवली हिल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके अलग अलग शोज़ आपने देखे होंगे। बट इट्स सच ए प्राउड मोमेंट कि वहाँ पर एक हमारी अपनी पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं वो मौजूद हैं, प्रैक्टिस करती हैं, और लोगों के बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको हल करती हैं। सो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी आज का जो हम डिस्कस करने लगे हैं, बिकॉज एक एक सर्टेन एज के बाद या कोई छोटी सी इंजरी की वजह से छोटी उम्र में भी, बल्कि आजकल तो नॉर्मली ये शिकायत करते हुए हमने यंगस्टर्स को भी सुना है, और बड़ी उम्र के लोग तो ये शिकायत करते ही हैं कि जी कमर का बड़ा प्रॉब्लम है, कमर में बहुत दर्द है। तो ऐसी इत्तेफाक से जब बात हो रही थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, और मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बैठ के छोटी सी डिस्कस की जाए। अगर मैं मॉर्निंग शो कर रहा होता तो इनको वहाँ पर इन्वाइट करता, लेकिन चूंकि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बुला सकता था। सो डॉक्टर सलमा खान इज विद अस, और हम वेलकम करते हैं जी आपको। बहुत खुशामदीद। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। और ये जो कमर के दर्द के हवाले से हमारी बात हो रही थी, और आपने उसमें दो तीन चीज़ें बताई, और मैं भी बड़ा क्यूरियस था कि हमें जानना ज़रूरी है, बिकॉज नॉर्मली जब स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम आता है तो लोग उसकी सर्जरीज करवा लेते हैं या एपिड्यूरल लगवाते हैं या और इस तरह की जो इंजेक्शंस होते हैं वो इंजेक्ट करवाते हैं या दवाइयां खाते रहते हैं। पर आपने कुछ इमेजेस हमें दिखाई, कुछ चीज़ें हमें दिखाई, और उसके बाद हमें ये मालूम पड़ा कि साइंस जो है वो बहुत आगे जा रही है। सो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप शेयर करें ये चीज़। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपको देती हूँ। मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और मैं इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स भी करती हूँ। तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि आजकल स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं इसके ऊपर। तो स्टेम सेल्स जो हैं वो ब्लैंक सेल्स होते हैं जो कि हम दो तरीक़े से हासिल कर सकते हैं। एक तो हम आपकी अपनी जो चर्बी होती है उससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो हम प्लेसेंटा, जब एक दफ़ा बच्चा पैदा हो जाता है तो जो प्लेसेंटा जो ज़्यादातर फेंक दिया जाता है कचरे में, उस प्लेसेंटा को लेके और उसमें से आइसोलेट करते हैं जो ब्लड होता है उसमें से चंद सेल्स निकाल के, तो वो हम इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे भी दर्द होता है। तो जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो पहले मैं उनकी इमेजेस रिव्यू कर लेती हूँ, जो उन्होंने CT MRI जो भी किया हुआ होगा, फिर मुझे उससे पता चल जाता है कि भाई किस लेवल पे उनकी उनको मसला है, फिर मैं एग्जैक्ट उस लेवल के ऊपर जो है CT करती हूँ। CT करके उसके बाद मैं मार्क करती हूँ वो लेवल आइडेंटिफाई करके, और उसके बाद फिर उसमें नमिंग मेडिसिन डाल के, तो फिर जो है वेरी प्रिसाइसली मैं
उस पर वो करती हूँ, नीडल डालती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर हियर, कि जैसे यहाँ पे ये स्पाइन का मॉडल है और इसमें यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि भाई देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रेड ओवर देयर टू शो द डिजीज प्रोसेस. तो अगर पेशेंट लेटा हुआ होता है तो वो ऐसे लेटा होता है, तो हम जब सीटी इमेजेस करते हैं तो वो ऐसे ऐसे कट करती हैं. तो सपोजिंग के जैसे पेशेंट का जो पीछे की जो वो स्किन है वो यहाँ पर है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं नम करके क्लीन करके तो मैं यहाँ तक बिल्कुल इस एरिया के ऊपर जहाँ पे कि मसला होता है वहाँ तक मैं नीडल लेकर आती हूँ. और उसके बाद जब मैं मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई मैं ठीक पोजीशन पे हूँ, तो फिर हम ये स्टेम सेल्स जो है वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं. तो ये स्टेम सेल्स जो हैं, चूँकि ये प्लेसेंटल ब्लड से निकाले जाते हैं, ये बिल्कुल टोटल ब्लैंक होते हैं, इनका कोई टिश्यू टाइपिंग नहीं होती. वही स्टेम सेल्स जो हैं कमरे में हर शख्स को हम लगा सकते हैं. और इनकी वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये जो है दे गेट गाइडेड बाय इन्फ्लेमेशन. जहाँ पे के फॉर एग्जांपल जहाँ पे के आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे दे गेट गाइडेड. अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली देखें होता यही है हमारे यहाँ, जब ये बोटॉक्स और फिलर्स वगैरह आए तो वो अब पार्लर्स में भी लग जाते हैं. जी जी बिल्कुल. तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था पिछले दिनों. और आप जैसे स्टेम सेल्स की बात कर रही हैं, आप इनको पता चल गया कि जी स्टेम सेल्स निकाल लें, कहाँ से निकाल लें और लेके लगा देने, कितने लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये पूरी एक रिसर्च होती है बॉडी टाइप देखते हुए. जी जी, ये एक्चुअली रिसर्च नहीं होती. इसमें ये होता है कि जैसे ये स्पाइन है, ठीक है ना, इस स्पाइन के ऊपर एक लेवल है, तो अगर स्पाइन के ऊपर जब डिस्क जैसे प्रोट्रूड करती है तो अगर हम इसको कट करेंगे तो वो अंदर प्रोट्रूड करती है और वो फिर कंप्रेस करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को और जो उसके अराउंड जो फ्लूइड होता है उसको कंप्रेस करती है, एंड दैट्स व्हाट प्रोड्यूसेस द पेन. तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आई विल इंजेक्ट दोनों तरफ एक ही लेवल पे. अगर एक से ज़्यादा लेवल पे होगा तो आई विल इंजेक्ट एट मोर देन वन लेवल. और उसमें ये होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज, मोस्ट ऑफ द टाइम 30 मिलियन स्टेम सेल्स एक लेवल के ऊपर इंजेक्ट होते हैं. अगर दो लेवल्स पे मैंने करना होगा तो देन आई विल डबल द डोज. तो मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. अच्छा, एनी आइडिया ये प्रोसेस होता कैसे? जी फैसल, आप कह रहे हैं कि ये बोटॉक्स और फिलर्स की तरह ये इंजेक्ट हो सकता है, तो उसका जवाब ये है कि नहीं, ये इस तरह नहीं इंजेक्ट हो सकता. इसलिए कि इनको निकालना सबसे पहले वो बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, फिर उसके बाद इनको आइसोलेट करना प्लासेंटा से वो बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, फिर उसके बाद ये जो है ये हर डॉक्टर के ऑफिस में प्रोसीजर नहीं हो सकता. आपको इनवाइट तो किया जा सकता है कि आप आइए हम लगा देते हैं और हम लगा देते हैं साहब आप आए, लेकिन ये कि ये इस तरह होता नहीं है. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, उसमें हर जगह ऑफिस में भी नहीं हो सकता. आपको एक रेडियोलॉजी सुइट में जाना पड़ता है, वहाँ पे सीटी हो और ये सीटी गाइडेड वेरी प्रिसाइज इंजेक्शन होता है. इसलिए कि अगर प्रिसीजन नहीं होगी तो फिर तो आप सॉफ्ट टिश्यूज में आप लगा रहे हैं इंजेक्शन, आपको कैसे पता? बाज़ लोग कहते हैं जी हम एक्सरे से लगा देते हैं. एक्सरे से आप लगा तो सकते हैं, लेकिन आपने जैसे ये तस्वीर है इसमें आपने डार्ट खींच के मार दिया, लेकिन आपको क्या पता कि आपकी डेप्थ कितनी गई है. सो ये सब करने के लिए इट्स अ वेरी प्रिसाइज प्रोसीजर. सो डॉक्टर साहब, मैंने शुरू में भी एक बात की थी कि बैक की प्रॉब्लम के लिए फिजियो भी होती है, लोग सर्जरीज भी कराते हैं, एक्सरसाइज से भी सही करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिंस भी लेते हैं. जी. सो ये स्टेम सेल्स अब जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं? आई नो कि थोड़ा सा मैं ज़रा घुमा के सवाल कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग हैं वो बहुत अरसे से इस चीज़ पे करते हुए आ रहे हैं. साइंस हर आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताती रहती है. सो ये स्टेम सेल्स कैसे बीच में से आ गए कहीं से और अब ये इसका इलाज है? तकरीबन हर घर में ये मसला मौजूद है कि जी मेरी कमर में दर्द हो गया. उसमें जो ज़रा उम्र के होते हैं वो उम्र के साथ साथ डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं. ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, वेट ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान और उसमें फिर उनकी बैक जो है, खैर से हमारे यहाँ खुराकें भी जिस किस्म की लड़कियों को दी जाती हैं जब वो प्रेगनेंट होती हैं या वो ख़ुद खा रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी बोन्स में उतनी जान नहीं रहती. इज़ इट ट्रू? दैट इज़ ट्रू. उसमें ये भी होता है कि अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं और अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप मसल स्ट्रेन कर लेते हैं, स्प्रेन कर लेते हैं, एंड दैट कैन, वो भी जो है वो गलत तरीके से आपकी स्पाइन को आपकी डिस्क को इफ़ेक्ट कर सकता है.
अच्छा, इसके ट्रीटमेंट्स जो हैं, तीन मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं, एक तो मेडिकेशंस हैं, लेकिन दवाइयाँ जो हैं वो आपके मैदे को हार्म करती हैं, तो नुकसान पहुँचाती हैं। कोई भी दवाई हो, इवन मल्टीविटामिंस भी आपको एक टाइम के बाद नुकसान देना शुरू कर देती हैं। जी, तो आप कंटिन्यूसली आप दवाइयाँ नहीं ले सकते सारी ज़िंदगी के लिए, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो एपिड्यूरल इंजेक्शन है। एपिड्यूरल इंजेक्शन क्या होता है? वो ये होता है कि आप जाके अराउंड द इन्फ्लेम्ड एरिया, जहाँ पे के इन्फ्लेमेशन है, वहाँ आप स्टेरॉयड लगाते हैं, इसलिए कि स्टेरॉयड इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। लेकिन आपको वो ये नहीं बताते कि स्टेरॉयड साथ में बोन को घुला देता है, बोन खा जाता है, तो आपकी बोन वीक हो जाती है। जब आपकी बोन एक दफ़ा वीक हो जाती है तो उसमें फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो ये तो कोई इलाज फिर नहीं हुआ ना। फिर तीसरा सर्जरी है। सर्जरी में मसला ये होता है कि वो क्या करते हैं कि ये जो पीछे के हिस्से हैं ना स्पाइन के, ये वाले, इनको इनको हटा देते हैं। तो अगर इनको हटा देते हैं तो फिर तो मोहरा सिर्फ मोहरे के ऊपर बैठा हुआ है, ये तो पूरी जो फिटिंग होती है वो फिटिंग ख़त्म हो जाती है। तो उसमें ये कि आपकी स्पाइन डिस्टेबलाइज हो जाती है, उसमें फिर ये रॉड्स वगैरह डाल के उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रॉड्स का क्या होता है कि वो इमोबलाइज कर देते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक रॉड गई हैं तो ये पोर्शन इमोबलाइज हो गया, लेकिन इसके ऊपर जो एरिया है वहाँ तो मूवमेंट हो रही है। तो जो इमोबलाइज्ड एरिया होता है जिसके ऊपर मूवमेंट हो रही होती है, फिर दैट विल बी वो अगली जगह होगी कि जहाँ पे कि डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने इमोबलाइज किया तो यहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो गए, यहाँ पे बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद ये कि यहाँ पे आप करेंगे तो उसके ऊपर शुरू हो जाएगा, तो आप कहाँ तक आप उसको आयरन केज में करेंगे? यहाँ तक तो आ रहे हैं सारे नीचे से। बिल्कुल, सर के नीचे तक आ रहे हैं। तो आप किस हद तक आप एक इंसान को जो है वो केज में डालेंगे? बिल्कुल, ये तो केज हो गया ना कि आपने केज में डाल दिया। बात हो जाएगी ना कि बंदे की तो गर्दन में ही सरिया आ गया। नहीं, लेकिन ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं अंदर जाके? स्टेम सेल्स ये हैं कि ये ब्लैंक सेल्स होते हैं, और ये जो है ये जिस टिश्यू में जाते हैं ये वहाँ जाके जो टिश्यूज होते हैं उनको रीजनरेट करते हैं। अच्छा। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिस्क मटेरियल में, बोन में। तो अगर फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द से सिर्फ कहने के लिए ये है कि अगर किसी की बोन्स वीक हैं तो ये जो है ये बोन्स में जाके तो वहाँ पे बोन बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है डिस्क अगर ख़राब है तो ये डिस्क की रीबिल्ड करेंगे। अगर जैसे मैंने नीज में इंजेक्ट किया है, वहाँ पे जो है कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज ख़त्म हो गई है तो ये कार्टिलेज को रीबिल्ड करेंगे। टिश्यूज जैसे मसल्स वगैरह जो हैं वो टेयर हो गई हैं, लिगामेंट्स के टेयर हो गए हैं, उसको फिक्स करते हैं ये। जैसे PRP होती है, ये उसी का एडवांस वर्जन है या ये वही है? PRP में क्या होता है कि आप इंसान के अपने प्लेटलेट्स जो है ना उनको अलग करके तो वो इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये प्रोसीजर जो है ना ये जो जवान लोग होते हैं उनमें बहुत अच्छा रहता है। ये प्रोसीजर मैं खुद भी करती हूँ और मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर वो 30 साल से कम हैं तो ये प्रोसीजर सबसे बेहतर उनके लिए रहेगा। लेकिन ये कि अगर वो 30-35 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है तो स्टेम सेल्स चूज़ करें, इसलिए कि आपके अपने सेल्स जो होते हैं उनकी उम्र भी वही होगी जो आपकी है। तो अगर आपकी बॉडी खुद इस चीज़ को हील नहीं कर रही है तो फिर आपके बेचारे सेल्स जो हैं वो कैसे हील करेंगे? तो उसमें आपको थोड़े से धक्का एक्स्ट्रा चाहिए होता है। समझ आती है बात, ऑब्वियसली मतलब 30 से कम खैर उस तरफ नहीं जाते हैं। सो ये प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली ये अब फेस पे भी अप्लाई हो रहा होगा, सर पे भी अप्लाई हो रहा होगा। कोई नई चीज़ है? और पाकिस्तान में आपने प्लान किया कहीं क्लिनिक वगैरह करें या यहाँ पे आप लोगों को ट्रीट करें? यहाँ पे मैंने जनवरी में भी मैंने कुछ लोगों को ट्रीट किया था, उसके बाद अब इस ट्रिप में भी मैंने कुछ लोगों को ट्रीट किया है। तो एक जो सबसे नॉवल ट्रीटमेंट जो था वो एक पार्किंसंस का पेशेंट थे, उनको मैंने ट्रीट किया था, जिसने मुझे कि बहुत ही दिली खुशी हुई इसलिए कि बहुत ही प्रोडक्टिव फंक्शनल ये साहब थे, हाई अचीविंग, और खामखा में उनको पार्किंसंस हो गई और वो बेचारे पार्किंसंस में चलना भी उनका वो हो जाता है, मसल्स वीक होते हैं, खा नहीं सकते, तो बोन्स भी फिर उसकी वजह से अगर कोई मतलब इमोशनल भी डिप्रेशन शुरू हो जाता है ना कि भई मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूँ।
तो वो डिप्रेशन भी आ जाता है। तो इन साहब को मैंने जो था स्टेम सेल ट्रीटमेंट दिया था, सिर्फ वेन में मैंने उनको दिया था। मेरा मकसद ये था कि भाई इनकी मसल्स रिजुविनेट हो जाएं, बोन्स इनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ताकि ये कम अज़ कम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी डिजीज़ के साथ डील कर सकें। लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कुछ दिन कोई एक दो हफ्ते के बाद, उन्होंने कहा प्लीज़ आप मेरे घर आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं उन साहब से मिली तो उन साहब ने मुझे पूरे कमरे में चल के दिखाया, कहते हैं आप मुझे बताइए कि मैं कैसे चल रहा हूँ। तो मैं तो आई वॉज शॉक्ड। फिर उसके बाद मैं उन साहब से अब दोबारा मिली तो उनको एक सेकंड बूस्टर इंजेक्शन मैंने अभी लगाया है जनवरी के बाद, अब समझें कि 7-8 महीने के बाद। तो अब जब मैं उन साहब से मिली तो वो उम्र में भी बहुत मुझे कम लगे, और माशाल्लाह से उनकी जो मसल वगैरह जो वीक हो गई थी, बोन्स वीक हो गई थी, वो भी मुझे बिल्कुल फिल्ड इन लग रही थी कि जैसे नॉर्मल होता है कोई आदमी 60-65 का, इस तरह के लग रहे थे। और हालांकि उनकी माशाल्लाह से एज 85 है। और उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने मेरा एक्सरे पता नहीं लिए थे कुछ, तो वो कह रहा था, कहता है कि ये तुम्हारे ही एक्सरे हैं, तुम तो लगता है कि 60 साल से भी कम की तुम्हारी बोन्स हैं। तो कहाँ के वो आदमी जो थे वो बिल्कुल ऐसे हंच्ड अप और चल रहे थे और गिर भी गए थे बैलेंस ख़राब होने की वजह से, और कहाँ ये कि इस तरह का। सो डॉक्टर साहब ये बात मतलब मेरे लिए बड़ी हैरान कौन है, बिकॉज पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, देखा भी है, जानते भी हैं, लोगों को काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है जी, और लोग उससे गुजरते हैं, बट आपने जिस तरह से बताया कि इस एज में उन्होंने रिकवर किया, सो ये बात समझ में आती है कि सिर्फ जो आप जैसे कमर का हमें बता रही थी जी, या घुटनों के बारे में आप बता रही थी, या लोग फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं या बालों के ऊपर, तो सिर्फ वहाँ पे वो रीजनरेट नहीं कर रहा है स्टेम सेल्स जो है, वो बाकी जगह पे भी। आप एक और मुझे आपने वो जो कार्डियो का जिनको इशू था उनके बारे में आपने कुछ बताया था मुझे। जी हाँ, एक मैंने और पेशेंट को ट्रीट किया था, वो हार्ट ट्रांसप्लांट की लिस्ट पे थे। अच्छा। उनका हार्ट का फंक्शन इतना बुरा हो चुका था कि उनको सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा था कि जी आपका तो दिल चेंज हो गई होगा, इसके अलावा कोई वो है ही नहीं। ये साहब जो थे ये बस बिस्तर पे बैठते थे, या तो बाथरूम चले जाते थे और फिर बाथरूम से आ जाते थे, खाना इनको बिस्तर पे मिलता था, इसलिए कि इनके हार्ट में इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो फंक्शन करता, पंप करता, कि वो काम कुछ भी कर सकें। तो इन साहब को मैंने कंसल्टेशन के लिए आए तो मैंने इनको ये कहा था कि देखिए आपका बहुत बड़ा मसला है, हार्ट मेन चीज़ होती है बॉडी में, तो ये जो है इसको बहुत ज़्यादा डोजेस के साथ ट्रीट होगा। तो मैंने इनको पहले जो था एक साथ 5 डोजेज़ दी थी, तो एक डोज में 30 मिलियन स्टेम सेल्स होते हैं, तो ये 5 डोजेज़ उनको हमने अप्रैल में दी थी। उसके बाद 2 महीने के बाद जो था हमने अगस्त में इनको अगली डोज दी थी 5 उसकी, और तस्वीरें खुद बताती हैं कि क्या है। कि उन्होंने मुझे सितंबर में 2019 के जो था वो अपनी सेल्फी भेजी थी, और उसके बाद अपनी टांगों की भी मुझे तस्वीर भेजी थी, तो आप देख सकते हैं कि भाई जो टांगें जो थी इतनी सूजी हुई थी और उसमें धब्बे पड़े हुए थे, वो सब ख़त्म, नॉर्मल साइज़ की टांगें हैं और बाल तक निकल आए उसके ऊपर। डॉक्टर साहब सीरियसली मैं लेकिन ये एक बात ज़रूर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली जब लोग देखते हैं सुनते हैं तो वो ख़ुद से भी तजर्बे करने शुरू कर देते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की हुई होती है या उस हवाले से बहुत अरसे से काम किया हुआ होता है, तो कोशिश करें कि बिला वजह जो है वो किसी गलत हाथों में ना चले जाएं। सो डॉक्टर साहब एज यू सेड के 5 आपने डोजेस दिए हैं, सो ये तो ठीक ठाक खर्चा हो गया काम। 5 दी थी उन्हें, 5 एक दफ़ा और उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर उनको 5 दी थी। अच्छा। 5 पहले इसलिए दी थी कि मैं चाहती थी कि देखूं कि भाई वो किस तरह उनके जिस्म इस पे रिस्पॉन्ड करता है। 3 लाख के करीब उनको स्टेम सेल्स जो हैं वो दिए हैं। 30 मिलियन होते हैं एक डोज में, 30 मिलियन एक डोज में होते हैं, तो हमने उन्हें क्यूमुलेटिव 5 डोजेज एक साथ दी।
और उसके बाद देखना था कि भाई वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। बहुत महंगा तो पड़ा है, लेकिन आप उसकी दूसरी पिक्चर ये देखिए कि अगर वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जाते तो वो कितनी मेजर सर्जरी है, और ये हार्ट निकालना और दोबारा नया हार्ट लगाना जो है ये कोई आसान तरीका नहीं है, और उसकी उसके बाद उनकी रिकवरी कितनी होती मुश्किल, रिकवरी भी आसान नहीं है, और उसके बाद सारी ज़िंदगी जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट पे होते। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास आके छींक भी जाए तो यू आर एट रिस्क कि आप उसका व्हाटएवर जर्म्स जो उसने जो भी जर्म्स आपके ऊपर छींके हैं वो उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ये कि यू कैन नॉट से कि भाई तुम्हारी नॉर्मल आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने उनको समझाया था कि आप ये देखिए, आप ज़िंदगी आपकी है, आपको फैसला करना है, और स्टेम सेल्स का ये कि कोई नुकसान तो होगा नहीं, हाँ मतलब कॉस्ट तो है, महंगे हैं, लेकिन आप कोशिश करके देख सकते हैं। तो उन साहब ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, तो उन्होंने फिर किया, और पहली डोज के बाद जो था वो पहली जो 5 डोजेस थी उसके बाद उन्होंने इतना देखा कि भाई रिलीफ इतना हुआ है कि उन्होंने फिर कहा कि हाँ जी मुझे आप दूसरा भी दें। और ये तो इंट्रावेन था सारा? हाँ ये वेन्स में दिया था सिर्फ इंट्रावीनस, और कुछ भी नहीं, कोई डाउन टाइम नहीं था, बस वो आए फैमिली के साथ उनको दिया उसके बाद वो चले गए। और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने कहा था कि आप बताइए मुझे कि क्या फ़ायदा हुआ, कुछ हुआ, और फिर दूसरा कर सकते हैं, तो वो फिर दूसरा किया। उसी दिल के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, दिल वही रहना चाहिए। सो बल्कि ज़्यादा जवान दिल के साथ, ज़्यादा जवान दिल हो गया, और दिल वैसे ही जवान ही रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ऑब्वियसली समझ आती है बात, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहा है, तरक्की हो रही है, बट खुदा के वास्ते नीम हकीम ख़तरा है जान जो हैं उनके हत्ते मत चढ़ा करें, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे कंसर्न किया करें, उनके पास जाया करें। हाँ थोड़ा सा महंगा होता है, सस्ते के चक्कर में अपने साथ जुल्म मत करें खुदा के वास्ते। ये बात मैं आज से नहीं, पता नहीं जब से मुझे मौका मिला ये बात करने का, शोज़ करने का, मैं तब से ये बात करता हूँ। सो डॉक्टर साहब एनीथिंग यू लाइक टू से, यू लाइक टू ऐड? मुझे ये कहना है कि अल्लाह मियां ने आपको पूरे जिस्म में एक ही एक चीज़ दी है, तो एक दफ़ा जब आप उसको निकाल के काट के कचरे में डाल देते हैं और सर्जरी वगैरह कराते हैं, और उसके बाद आपको एहसास होता है कि भाई आपने गलती की है, तो आप उस चीज़ को कचरे से उठा के दोबारा अपने जिस्म में नहीं लगा सकते। तो मेरा अपना ये है कि जो अल्लाह मियां ने आपको चीज़ें दी हैं उन्हीं के साथ जीना सीखें, और उनको ही ठीक ठाक करें, आखिर आप अपनी गाड़ी को घर को ठीक ठाक करते ही हैं। तो ये थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग जो है ये ज़िंदगी के रास्ते में बम्स आते हैं, और इनको आप अगर सही तरीके से डील कर लें तो यू विल बी फाइन। सो द थिंग इज के चाहे टखने हों, घुटने हों, कमर हो, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, आपकी सर्वाइकल होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ, एक्सीडेंटल हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से और फिजियो से कवर कर लिया था, पर अभी भी कभी कभी जाके कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। या वो लोग जो हमेशा चाहते हैं कि हसीन लगें, खूबसूरत लगें, जवान लगें, तो वो चेहरे पर भी करवाते हैं, बालों पर भी करवाते हैं ये स्टेम सेल्स के हवाले से। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि डॉक्टर सलमा जो हैं वो पाकिस्तान में तो होती नहीं है, तो जो लोग हमारा शो देख रहे होंगे वो बेचारे क्या करेंगे, आपको कहाँ ढूंढते फिरेंगे? मैं महीने में फैसल साहब एक दफ़ा आती हूँ, और जब मेरे पेशेंट्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और यहाँ पे मेरा लोकल एक कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है जिसको आप फ़ोन कर सकते हैं, और आप उसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, और फिर वहाँ से हम वी कैन गो फ्रॉम देयर। ग्रेट ग्रेट, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू टू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और आप लोग बस इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आ रहे हैं हम लोग कुछ बहुत ज़बरदस्त लेके। ये थोड़ा सा जो गैप है वो ज़रूरी हो गया था। सो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।